माता सीता का भगवान राम से इसी दिन हुआ था शुभ विवाह। संत तुलसीदास ने इसी दिन की थी रामचरितमानस की रचना पूरी। इतना शुभ दिन होने के बावजूद भी मिथिला क्षेत्र और नेपाल में नहीं किया जाता बेटियों का विवाह। चलिए जानते हैं विवाह पंचमी से जुड़ा वो कौन सा रहस्य है जिसे हर बेटी के माँ बाप को जरूर जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रचलित कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 17 दिसंबर 2023 को पड़ रही है। इस दिन बिहार और नेपाल प्रांत के मंदिरों में पूरे विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता की पूजा की जाएगी और पुराणों में वर्णित माँ जानकी और राम जी के विवाह प्रसंग को सुनाया जाएगा। मान्यता अनुसार इस दिन की जाने वाली राम कथा का समापन भगवान राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग पर किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम को शुरू करने से पहले शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विवाह पंचमी के शुभ दिन को मिथिलांचल और नेपाल के लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस दिन विवाह करने से जैसे माता जानकी को माता सीता को विवाह के बाद दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष बाद भी अकेले वनवास भोगना पड़ा, भगवान राम ने गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया, ऐसा ही कहीं उनकी बेटियों का जीवन भी कष्टमय न बन जाए, इसलिए खासकर मिथिलांचल में लोग इस दिन अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते। लेकिन अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रत्येक राम जानकी मंदिर में पूरे विधि विधान से जनक नंदिनी और दशरथ नंद भगवान राम के विवाह का आयोजन करते हैं। तो चलिए अब बिना देरी के बताते हैं आखिर कब है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी का उत्सव 17 दिसंबर 2023 रविवार को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि विवाह पंचमी की तिथि 16 दिसंबर 2023 शनिवार को शाम 8 बजे शुरू हो रही है और 17 दिसंबर 2023 यानी रविवार को शाम 5:33 पर खत्म हो जाएगी। ज्योतिष विद्वान के अनुसार विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता के विवाह की कथा सुनने और व्रत उपवास रखने से नवविवाहित के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलता है। रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग मिलता है। कहते हैं इस दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं भगवान राम और माता सीता के विवाह का शुभ प्रसंग। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के यहाँ सबसे बड़े पुत्र के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ था और मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुर जाते हैं, जहाँ पहले से ही माता सीता के विवाह के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। यह वह शुभ समय था जब इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। एक से एक कई शक्तिशाली राजा इस स्वयंवर में मौजूद थे। कहते हैं राजा जनक की यह शर्त थी कि जो उनके पास मौजूद भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही माँ सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। कहते हैं इस स्वयंवर में लंकापति रावण भी आया था। कथा अनुसार वहां उपस्थित सभी वीरों ने अपनी ताकत लगाई लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया, जिसके बाद श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव का धनुष उठा लेते हैं और उसके दो टुकड़े कर देते हैं और वहां मौजूद हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है। नियमानुसार इसके बाद पूरे विधि विधान से मां सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ संपन्न कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान राम और माता जानकी के विवाह का आयोजन करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। भगवान राम को पीले वस्त्र और माता जानकी को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। चंदन और तुलसी की माला से उनके नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन किसी नव विवाहित जोड़े को घर पर बुलाकर उपहार और श्रृंगार का सामान भी दान करना चाहिए, अत्यंत शुभ रहता है। तो बोलिए श्री रामचंद्र और माता जानकी की जय।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।